ओम वंदे गौ माता मित्र। तो चलिए, आपका स्वागत है आज के भोजन वाले व्लॉग में। दिवाली के दिन तो व्यायाम के बाद हवन होता है, और हवन में हम सबकी शुभकामनाएं, सबकी अच्छे के लिए, भले के लिए, कहते हैं ना, समष्टि में एक अच्छा संदेश देने के लिए हवन करते हैं। और मित्रों, जो हवन की ऊर्जाएं हैं ना, ये सबके लिए सकारात्मक होती हैं। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अपने रोग भी ठीक कर सकता है। तो वही ऊर्जा हम आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की कामना के साथ। और हमने समष्टि में ऊर्जाएं प्रसारित की ताकि समष्टि में सबका मंगल हो। और उसके बाद आज हमने सुबह सुबह जूस पिया। जब जिस फल की ऋतु होती है, जिस सब्जी की ऋतु होती है, हमारे भोजन में वही होता है। अभी संतरे की ऋतु बहुत अच्छी आ गई है, तो संतरे अच्छे सस्ते मिल जाते हैं, तो मैं अच्छे से ले आती हूँ। और ये करीब, जो मैंने आपको उखड़ा के दिखाया, ये 400 ml का है, और दूसरा करीब 500 ml जूस मेरा रोज़ का सेवन होता है। और ये जो जूस निकलता है, करीब 800 ग्राम संतरों में निकल आता है, यानी कि 3 किलो संतरे करीब, ये मान लीजिए 4 दिन चलते हैं, तो उतना मैं जूस पीती हूँ। तो ये एक संतरा जो अंदर से ख़राब था, मैंने आपको खोल के दिखाया, उसमें थोड़े कीड़े हो गए थे, तो उसको साइड पे रख दिया है। फिर क्या है ना, जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो उसको आपको ध्यान से करना होता है, देखना होता है, तो वो मैं देख देख के सारी चीज़ें करती हूँ। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। और चूने का सेवन सर्दियों की ऋतु में किया जा सकता है। हम जैसे लोग पित्त की प्रकृति वाले कर सकते हैं, कफ वाले, वात वाले तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कफ पित्त की प्रकृति वाले सर्दियों में ही केवल सेवन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें संतरे के जूस में मैं ये डाल देती हूँ ताकि वो मेरे लिए हितकारी हो जाए। और ये जो मैं साइड से छांट रही हूँ ना, ये बीज हैं। आप देखिए, मैं बीज क्या करती हूँ, सारे बीज इकट्ठे करती हूँ, और ये जो बीज है ना, मैं जब कभी यात्रा वगैरह करती हूँ तो उसको मैं कहीं में डाल देती हूँ। तो मित्रों, इस पर मैंने एक वीडियो और देखी, जूस कैसे निकाले और इसमें आप कैसे क्या अपने घर में खाद वगैरह बना सकते हो। वो वीडियो आपको एक दिन में मिल जाएगा, आप उसे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई संतरे के छिलके वगैरह में क्या प्रयोग करती हूँ। तो ये आप सुबह नाश्ता हुआ। उसके बाद ये जो दोपहर का भोजन है ना मित्रों, ये करीब 11-12 बजे के आसपास मैंने लिया था। ये थी पत्ता गोभी की सब्जी और नारियल की चटनी। पत्ता गोभी की सब्जी कैसे बनाई, आइए देख लेते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए बस पत्ता गोभी काट लिया था। पहले आरंभ में क्या है ना, बहुत दिनों से वीडियो बनाई नहीं, तो वीडियो बनाना दिमाग में आया नहीं, मैं भूल गई। और उसके बाद चटनी बनाई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज बनाती हूँ सब्जी, मेरी एज इट इज जैसे छौंकी जाती है वैसी छौंकी जाती है। थोड़ा सा आजकल आप देखेंगे मैंने मूंगफली खाना चालू किया, क्योंकि अब जो सीजन बदल रहा है ना, इसमें हल्की सी मूंगफली 4-6 दाने नुकसान नहीं करती है। और हाँ, सब्जी में मैंने मेथी का दाना डालना भी आरंभ किया, क्योंकि मैं ये चेक कर रही थी कि मेथी जो है ना, वो पित्त को वैसे शांत करती है, लेकिन वात कारक होती है। तो मैं देख रही हूँ कहीं मुझे उसमें समस्या तो नहीं हो रही है, पर नहीं हो रही तो मैं थोड़ा 2-4 दाने डाल लेती हूँ। ये पुदीना डाला मैंने चटनी में, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना सब पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पुदीने बिना चटनी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं पुदीना हमेशा मोस्टली प्रयास करती हूँ, मिल जाए तो पुदीना डाल देती हूँ। मैंने घर में भी लगाया था, पहले भी लगाया था, लेकिन खत्म हो गया, वापस लगाया, देखिए कब होता है। उसके बाद पत्ता गोभी में हरा धनिया डाल के देखिए भर के, बड़ा स्वादिष्ट लगता है और बड़ा स्वाद बढ़ा देता है। साथ में क्या है ना, गुणकारी भी होता है, क्योंकि हरा धनिया ये आयरन की वृद्धि करता है। उसके बाद चटनी को भी हल्का सा तड़का मैंने दिया, क्योंकि चटनी जो है ना, तो तड़के के साथ थोड़ा उसका आयरन मिल जाता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में चला जाता है तो आयरन मिल जाता है, तो वो आयरन की वृद्धि करता है। और आप जानते हो कि भाई, मेरे शरीर में थोड़ी सी रक्त की कमी हो गई थी, किंतु अभी रिपोर्ट बता रही कि भाई रक्त तो 11.1 है, लेकिन क्या है ना, रक्त में सारी प्रॉपर्टीज जो मिनिमम रेंज में होनी चाहिए वही हैं, तो इसको भी बढ़ाना है। अब इस ऋतु में अच्छे से बढ़ जाएगा, तो ये चटनी तैयार हो जाती है इस प्रकार से। और इस प्रकार से आज का सुबह यानी कि दोपहर का भोजन हो जाता है, ये चटनी। और उसके बाद क्या है ना, मेरा बेटा आने की बात हो जाती है कि 12 बजे मुझे पता चलता भाई मेरा बेटा आ रहा है। तो फिर मैंने शाम के भोजन में श्रीखंड पूरी बनाया था। श्रीखंड बाहर से ले आई थी, मैंने बनाया नहीं था, और पूरी मैंने बनाई थी। और पूरियां कैसे बनाई, कि पूरियां जो है ना मित्रों, मेरा आप जानते हो घी में ही हाथ चलता है और तेल में हाथ मेरा चलता नहीं है, तो पूरियां भी मेरी घी से ही बनी थी। तो बहुत थोड़ा सा आटा लेके आई थी मैं बाजार से, केवल 200 ग्राम आटा लेके आई हूँ, आप विश्वास करोगे ना करोगे पता नहीं। और 200 ग्राम आटे से मैंने करीब 150 ग्राम आटे की पूरियां बनी हैं। और इस इन पूड़ियों को मैंने और मेरे बेटे ने दोनों जनों ने खाया, क्योंकि मुझे कम लेना था, मैंने 2-3 पूड़ियाँ खाई। और ये देखिए क्योंकि साइज़ क्या है, तो क्या है ना कि हम जब से गुजरात में आए हैं भाई, भाभियाँ के बड़ी भाभी के आगमन के बाद हमारे घर में ऐसी पूड़ियाँ बनने लगी थी। पहले हम लोग बड़ी पूड़ी बनाते थे यूपी के स्टाइल की, लेकिन उसके बाद अब भाई हमारे घर में छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती, और मेरे बच्चे को भी ये पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस वो पूड़ियाँ बनाई, और उसके बाद ये श्रीखंड पूरी का भोजन हुआ रात्रि का। और आज रात्रि का भोजन मेरा करीब 7:30-8 बजे हुआ था, क्योंकि
बच्चे के आने कारण से विलम्ब हो गया और आज मैंने पूरियाँ खाई और उसके बाद आज मैंने वो जो रोज वाला है वो नहीं लिया, तो इस प्रकार आज का भोजन हुआ। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, बिलेटेड धन्यवाद, वंदे मातरम।